फसल क्रांति में मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। इफको एमसी, इफको वैसे तो किसानों के लिए कई नए उत्पाद लेकर आता है, कैसे किसानों तक अपनी रीच को पहुंचाया जाए ये पूरी कोशिश इफको की ओर से जारी रहती है। हाल ही में इफको नैनो यूरिया का भी काफ़ी चलन देखने को मिला और किसानों के बीच भी उसकी काफ़ी डिमांड देखी गई। लेकिन आज अगर हम बात करें इफको एमसी की, तो यहाँ पर एमएसएस नाम से एक न्यू ऐप को लॉन्च किया गया है। ये क्या है, किस तरीके से काम करेगा, इससे संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच हैं अनिल ढिंगरा जी, एमडी एंड सीईओ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा, क्या है ये ऐप, किस तरह से सर ये काम करेगा, क्या है पूरा तरीका इसका? एमएसएस जो ऐप है बेसिकली मोबाइल बेस्ड ऐप है, इसलिए इसका नाम भी एम असिस्टेंस है, मतलब असिस्टेंस जिस तरह से दी जाती है मोबाइल बेस्ड, तो उसी हिसाब से इसका नाम रखा गया है। इस ऐप की विशेषता यह है कि बहुत सिंपल तरीके से, बहुत यूज़र फ्रेंडली तरीके से इस ऐप ये काम करता है, और ये हमारे जो जितने चैनल पार्टनर्स हैं उनको हमसे सीधी तौर पे कनेक्ट करना, हमारी अपनी एक्टिविटीज़ को डिजिटाइज़ करना और उसके साथ उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, एसिमिलेशन और एक रिकॉर्ड बिल्डअप करना, और उसके साथ ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम कोई आगे डिसीजन लेते हैं उसके लिए हमारे पास एक पूरा बैकग्राउंड क्लियर होता है कि हमने अभी तक क्या किया, क्या उसके रिजल्ट्स मिले, अब हमें अपने प्रोग्राम्स को इस तरह से रीशेप करना है। तो ये ऐप अपने आप में कई तरह से कैपेबिलिटीज़ रखता है, इसके एक अलग 8 जो हैं अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो इसकी स्टार्टिंग अगर हम देखें तो एक फील्ड एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें पूरा ट्रैकिंग होता है कि हमारे फील्ड ऑफिसर्स कहाँ कहाँ गए, उसका पूरा जियोग्राफिकल उसका पूरा मैपिंग होता है, वो इस जगह पर गए और उन्होंने जो एक्टिविटी की उसके फोटोग्राफ्स होते हैं, एक्टिविटी की डिटेल्स होती हैं, तो उनका पूरा ट्रैवल प्लान उसके साथ फिक्स हो जाता है, उनके पूरे ट्रैवल बिल्स हो जाते हैं। तो ये बहुत स्मूथनिंग ऑफ प्रोसेस की तरफ जाता है। तो खाली यही नहीं कि उनका ट्रैवल प्लान, फील्ड एक्टिविटीज़, सेकंड फेज़ में इसका जो होता है वो हमारे सारे चैनल पार्टनर्स को भी हम इसमें जोड़ेंगे और उन चैनल पार्टनर्स के साथ हमारा जो भी इंडेंटिंग होगा वो इस ऐप के थ्रू आएगा, हमारी जितनी इन्वॉइसिंग होगी इस ऐप के थ्रू उनके पास जाएगी और उसके बाद उनको जो मटेरियल मिलेगा तो उसको वो प्रॉपरली एक्नॉलेज करेंगे। तो ये एक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद आवर चैनल पार्टनर्स जो है, जो आज की तारीख में बड़ा क्रूड तरीके से होता है, या तो एक्सेल शीट्स में रिकॉर्ड रखा जाता है, टेलीफोन से फॉलोअप किया जाता है, जिसका प्रॉपर रिकॉर्ड बिल्डअप नहीं होता, इसमें हर चीज़ पूरी तरह से रिकॉर्डेड रहेगी। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आगे जाके हम उसको हम यूज़ करना चाहेंगे अपने फार्मर कनेक्ट को थ्रू आवर डीलर्स। जी, जिस तरह से सर ने हमें बताया कि वाकई तकनीक के सहारे एक रिकॉर्ड को अपने पास इकट्ठा करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ऐप जिस तरीके से आज काम कर रही हैं और कृषि क्षेत्र में जिस तरह से तकनीक को बढ़ावा मिल रहा है वो काफ़ी सराहनीय है। सर हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, जिस तरह से इफको एमसी के उत्पादों की हम बात करते हैं, यहाँ भी इफको एमसी के कुछ उत्पाद हमारे सामने हैं, क्या कुछ है ये उत्पाद, किस तरह से ये कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कैसे ये किसानों के लिए कारगर हैं? ये जो सवाल है ये हमारी शुरुआत की हम बात करें तो हम केवल 16 प्रोडक्ट्स के साथ हमने शुरुआत की थी, सारे जेनरिक प्रोडक्ट्स थे, लेकिन समय के साथ पूरी कंपनी का जो ग्रोथ हुआ है उस ग्रोथ में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे किसानों को किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन से उत्पाद उनको ऐसे हैं जो सामयिक रूप से ज़रूरत है, और जो नए क्रॉप पे सेगमेंट्स हमारे इमर्ज हो रहे हैं, क्योंकि आज से जो 5 साल पहले स्थिति थी वो स्थिति आज नहीं है। फॉल आर्मी वर्म के बारे में कौन जानता था, और वही फॉल आर्मी वर्म इतना डैमेजिंग हो गया कि उसके लिए अलग सॉल्यूशंस के लिए सोचना पड़ा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है आज बढ़ते बढ़ते 64 एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, 64 उत्पाद हमारे पास हैं, पूरी रेंज हमारे पास हर्बिसाइड, फंजिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की है, उसके साथ हमारे पास प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स भी हैं, और ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स जो हैं ये स्पेशली हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, जो लियोनार्डेट सॉइल होती है उसको रीप्रोसेस करके उसको एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जो आज हमारा ह्यूमेसू नाम से प्रोडक्ट है। हमारे पास सल्फर है, ये चीज़ें ऐसी हैं जो सामने देखने में ऐसा लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको पुश किया जाता है किसानों को। आमतौर पे एक धारणा है जो बहुत गलत धारणा है, किसान मिट्टी की ज़रूरत जो है ये मिट्टी की ज़रूरत है अपने आप में भी, कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़े, उसका ह्यूमिक कंटेंट बढ़े, उसको सल्फर मिले, जो डेफिशिएंसी आज 30-40% मिट्टियों में सल्फर डेफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है, किसान को सिर्फ पेस्ट कंट्रोल का एक एंगल नहीं है, पौधे के अंदर कितनी क्षमता पैदा हो कि वो प्रतिरोधक शक्ति उसके अंदर
अगर हो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अव्वल तो हमें बीमारी ही ना हो, तो पहला प्रयास ये रहता है। और अगर बीमारी होती है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है विद द राइट काइंड ऑफ मेडिसिन, जैसे हम लेते हैं उसी तरह से राइट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन होना चाहिए। कोई भी गलत पेस्टिसाइड रिकमेंडेशन नहीं भी किया जाता हमारे चैनल के द्वारा भी, क्योंकि हम किसानों को भ्रमित नहीं करना चाहते। सही डोज बताई जाती है, ये नहीं कि माल बेचना है इस कारण से उनको ज़्यादा डोज बता दो, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हार्मफुल होती हैं, आगे जाके रेजिस्टेंस आ जाता है। टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो प्रोटेक्शन होता है। किसान जब अप्लाई करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री कर रही है, फेडरेशंस कर रही हैं, लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब पेस्टिसाइड अप्लाई किया जाता है तो जो प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए थे वो बहुत कम लिए जाते हैं। और उस चीज़ के ऊपर हमें लगातार काम करना है, और किसानों को समझाइश देनी है, उनको इंसिस्ट करना है कि नहीं, ये आपके सेहत के लिए, आपकी अच्छी लंबी उम्र के लिए और आपकी आने वाले जनरेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते जिस तरीके से इफ़को एमसी या इफ़को काम कर रही है या उत्पाद बना रही है, ऐसे ही किसानों को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर दूसरी ओर, किस तरीके से आप किसानों तक और पहुँच रहे हैं, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कई कई जगह ऐसी हैं जहाँ अभी तक इफ़को के उत्पाद कहें या कंपनी का पहुँचना कहें वो नहीं हो पा रहा है। किसान जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी जानकारियों से वंचित नहीं है कि वो किस तरह से आपसे जानकारी ले सके, तो वो क्या माध्यम है या वो क्या तरीका है जिससे आप और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे? देखिए, इफ़को एमसी जो है वो इफ़को की छत्र छाया में ही काम कर रही है, और इफ़को जो है अपने आप में एक सबसे वृहद संस्था है जो फर्टिलाइज़र में है, और 1967 से चल रही इस संस्था का पूरा नेटवर्क जो है पूरे देश में फैला हुआ है। आज इफ़को के जितने भी कार्यक्रम होते हैं जहाँ प्लांट न्यूट्रिशन की बात की जाती है, पौधों को कैसे बढ़वा दिया जाए, कैसे उनको खाद वगैरह दिया जाए, आज नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, ये सब चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं। उसके साथ साथ उस हर प्रोग्राम में इफ़को एमसी के प्रतिनिधि भी शामिल रहते हैं। इस कारण से किसानों की जो क्रॉप प्रोटेक्शन संबंधी जो फसल संरक्षण की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, उसमें जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उसका ज्ञान हमारे इफ़को एमसी की टीम देती है। तो इस तरह से इफ़को के प्रोग्राम चूँकि पैन इंडिया पूरे हर कोने में चल रहे हैं, रूरल एरियाज़ में चल रहे हैं, उस तरह से इफ़को एमसी के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम एक छोटी संस्था हैं, संख्या हमारी अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन देखते ही देखते हमने भी अब करीब 350 अपने मैदानी कार्यकर्ता उतार दिए हैं जो हर पूरे क्षेत्र को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी टीम को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। आने वाले साल में करीब 70-80 लोग और हम फील्ड में लेंगे, और ये हर आदमी को फिल्टर करके बड़े अच्छे से उसकी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, ये सब देखने के बाद ही हम उसको एंगेज करते हैं। तो ये प्रोसेस स्लो होती है, लेकिन हमारे जो मैदानी कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूत होते हैं और किसानों को सही जानकारी देने में सक्षम हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अनिल डिंगरा जी जिन्होंने हमें बताया कि इफ़को एमसी किस तरह से कार्य कर रही है, कृषि क्षेत्र में तकनीक के साथ साथ कैसे किसानों की हर समस्या का समाधान किया जा रहा है। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियां आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।